this करने we probably do this do past papers start doing past papers in the next class. आवाज आ रही है ना सारों को? मूसा दुआ रियान can you hear me? अच्छा so last class के अंदर we did something that was very important which was azodized ठीक है कि azodized form होती है stable dyes होती हैं और उसको बस थोड़ा सा review कर लेते हैं कि it was formed from phenylamines and ये conditions होती थी diazonamine बनता था जो कि unstable होता था decompose कर जाता था very easily hydrolyze कर जाता था hydrolysis होता था and then what would happen was that you had diazonamine reacting as an electrophile एक activated benzene के साथ जाके वो attach हो जाता था और end result होता था you would get an azodide which was a very stable डाई तो ये सर हमने पढ़ा था ये मैंने कहा था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इज अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड्स चल रहे हैं ठीक है सो सो वी गोइंग टू टॉक अबाउट अमीनो एसिड्स और साथ ही प्रोटीन्स ठीक है जिन लोगों ने बायो वगैरह ली हुई है उनके लिए तो ये पार्ट आसान होगा लेकिन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी मतलब बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप नहीं पढ़ रहे होगे केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ रहे होगे सो अमीनो एसिड इज कि यू हैव अ कार्बन एटम दैट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रीटी मच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो अमीनो एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड इट हैज an amine group okay which is why it's called an amino acid ek side pe there is going to be an H and on one side there is going to be a carbon chain no not a carbon chain or a group attached okay not necessarily a carbon chain but any group might be attached to it so that is what the basic structure of an amino acid is ye acid hai aur ye amine hai acha one thing about this is कि पहले एक चीज पढ़ लेते हैं अबाउट अमीनो एसिड कि दिस थिंग इज एन एसिड व्हिच इज प्रीटी ऑब्वियस और ये कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसेस एच पॉजिटिव आयंस एंड दिस अदर थिंग इज अ बेस एमाइंस आर ऑलवेज बेसिक बिकॉज एन के ऊपर ना हमने नाइट्रोजन की जो वो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी ना एज बेसिस जिसमें एमाइंस phenylamine wo sara humne padha tha so this one is a base and it accepts iska jo lone pair hai that accepts H plus 1 ions so basically you have an acid part and a base part both in an amino acid ab isme the first thing we're going to talk about is we're going to talk about the R group theek hai I'm going to open the data booklet one second ज्यादातर आर ग्रुप 19-20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 19 और 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ग्रुप्स तो जस्ट वेट वन सेकेंड ये ओपन हो जाए अच्छा 19-20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर ग्रुप्स जो कि डेटा बुकलेट में गिवन यू डोंट हैव टू एक्चुअली रिमेंबर देम लेकिन इफ यू कुछ बड़े कॉमन होते हैं बायो के स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो वैसे ही पता होंगे कि एवरी टाइम द आर वुड बी डिफरेंट तो लेट मी जस्ट होप ठीक है खुल गया तकरीबन अच्छा सो इन द डेटा बुकलेट देयर इज अ पेज प्रोबब्ली नहीं दिस वन नॉट दिस वन ये भी नहीं है अच्छा देयर इज अ पेज हाँ बिल्कुल सेकंड लास्ट जो पेज है उसके ऊपर ना डिफरेंट अमीनो एसिड्स एंड देयर आर ग्रुप्स आर गिवन ठीक है ये लिस्ट भी हुई है आर ग्रुप फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट एलानिन रिमेंबर अमीनो एसिड्स There are two ways to represent amino acids. Each amino acid has a different name. You have alanine, aspartic acid, or so on. Okay. So there's a three-letter abbreviation which is ALA. Okay. And then a one-letter symbol also exists amino acid. Ka. Usually in Cambridge you use this three-letter abbreviation. ये वाली भी आ गई तो वो data booklet आपके पास होगी तो you can actually just have a look. So ये सारे R groups हैं. ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ सीरीन इट्स गोइंग टू बी CH3 एस्पार्टिक एसिड तो ये दोनों मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर सो लेट्स ड्रॉ एस्पार्टिक एसिड दैट्स वन अमीनो एसिड
ठीक है, दैट्स जस्ट द नेम ऑफ एन अमीनो एसिड. सो एस्पार्टिक एसिड इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू हैव अ कार्बन, इट्स गोइंग टू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन वन साइड, इट्स गोइंग टू हैव NH2 ऑन द अदर साइड. एक तरफ H होगा और एक साइड पे R होगा, ठीक है, विच इन दिस केस इज गोइंग टू बी CH2, COOH. जी, मुझे आर का किस्सा पता लगे कौन सा ग्रुप है. आई जस्ट सॉ द डेटा बुकलेट और वहां पे जब मैंने देखा एस्पार्टिक एसिड तो वो CH2COOH जो डैश बना हुआ है, दिस इज द साइड दैट नीड्स टू बी कनेक्टेड. ठीक है, गलत वाली डोंट कनेक्ट द रॉन्ग साइड. तो वो जो कार्बन होगा उसके साथ ये चीज अटैच होगी. इफ आई ड्रॉ एलिनिन, दैट्स जस्ट CH3. सो लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ एलिनिन नेक्स्ट टू इट. तो एलिनिन वुड बी, अच्छा, सो एलिनिन वुड बी के यू वुड हैव सेम थिंग, इट्स गोइंग टू बी कार्बन ऑन वन साइड, देयर इज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द अदर साइड, देयर इज NH2, टॉप पे देयर इज गोइंग टू बी H, और वो जो आर ग्रुप होगा, जो ग्रुप अटैच होगा उसके साथ, दैट्स गोइंग टू बी CH3. ठीक है, सो दैट्स एन एलिनिन मॉलिक्यूल. यहां तक क्लियर है सारों को? इज दिस क्लियर? फातिमा, अरीबा, अरीशा, इज दिस क्लियर? ठीक है, और मेरे ख्याल से मेजोरिटी इज बायो तो उनको वैसे ही क्लियर होगा ये. अच्छा, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिलेटेड टू अमीनो एसिड्स, एंड दैट इज कि एक तो पहली बात है डेटा बुकलेट देखनी है. ग्लाइसिन होगा, जो भी होगा, ठीक है, लाइसिन होगा, आपने आपने डेटा बुकलेट देखनी है और उधर से आपको पता लग जाएगा अमीनो एसिड कौन सा है. ठीक है, नाउ देयर इज वन थिंग दैट हैपेंस टू एन अमीनो एसिड एंड दैट इज ज़्विटरियन फॉर्मेशन. सो द फर्स्ट थिंग इज, इसके ऊपर पहले फोकस करते हैं, एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट आइडेंटिफाइंग अमीनो एसिड्स. नाउ व्हाट्स अ ज़्विटरियन? अ ज़्विटरियन इज कि एज यू नो कि एन अमीनो एसिड हैज एन एसिड ग्रुप एंड इट हैज बेसिक ग्रुप एंड देर इज H एंड देर इज कार्बन चेन. ठीक है, नॉट अ कार्बन चेन बट रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, आर ग्रुप. नाउ द थिंग इज के आई एम गोइंग टू इग्नोर आर फॉर अ सेकेंड. ठीक है, अभी हम इस पर फोकस करते हैं कि ये एसिड है और ये जो है ये बेस है. अच्छा, वॉट डज एन एसिड डू? इट लूजेज द H+1. सो यू हैव दिस H+1 दैट इज लॉस्ट, तो क्या चार्ज आ जाएगा? इट्स गोइंग टू बी -1 एंड इट्स गोइंग टू, इट्स मतलब -1 होगा और H+1 टूट के अलग हो जाएगा. अच्छा, एंड दैट अदर पार्ट इज अ बेस. वॉट दैट वुड डू इज कि जो H+1 है ना, ये उठ के जाके उधर अटैच हो सकता है, क्योंकि एन का जो लोन पेयर होगा दैट वुड बी अट्रैक्टिंग द H+1. तो अगर वो एन का लोन पेयर H+1 को अट्रैक्ट कर लेता है तो इट वुड बिकम, मतलब लोन पेयर चला जाएगा क्योंकि खत्म हो गया. इट्स एन वुड मेक एन एक्स्ट्रा बॉन्ड, एडिटिव बॉन्ड, एंड इट वुड बिकम NH3+1. ठीक है, सो बेस इट एंडेड अप, इट जस्ट गेन्ड एन H+1, मतलब पहले उसे गेन करना था, अब उसने गेन कर लिया, एंड दिस वन जस्ट लॉस्ट एन H+1 आयन. ठीक है, तो ये दिस इज ज़्विटर आयन, मतलब बाय डेफिनेशन, आई मीन इट्स नॉट अ वेरी स्पेसिफिक आयन, इट्स बेसिकली ज़्विटर आयन इज एनी आयन दैट ओवरऑल हैज नो चार्ज. ठीक है, इट्स इट्स अ मॉलिक्यूल और यू कैन से इट्स इट्स एन आयन दैट हैज रीजन्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. तो उसके अंदर ना +1 और -1 वाली चीजें होती हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे द एसिड पार्ट इज -1 और जो बेस वाला पार्ट है दैट्स +1. सो एन आयन दैट हैज रीजन ऑफ +1 एंड -1 चार्जेस बट ओवरऑल हैज नो चार्ज. क्योंकि इट हैज इक्वल रीजन्स, मतलब +1 और -1, यानी इफ यू अगर इसको ब्रैकेट डाल के इसको पूरा का पूरा देखोगे तो इट वुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू हैव
any charge. So the charge on this entire thing would be zero. जबकि बीच में charges हैं, यहाँ पे full on plus one है, यहाँ पे minus one है. So is this point clear as well? Rehan, clear है? Qasim, Nabiha, Taha, is this clear? Yes, sir. अच्छा, so that's what is written, Ryan is. Now the next thing I'm going to teach you, that would be slightly confusing. ठीक है, उसको गौर से सुनना. कि so I'm going to try and make a Zwitter ion. This is, I said, बल्कि वो सारा मैं discuss करता हूँ. I'm going to try and make a Zwitter ion now. ठीक है, but try and understand this carefully. ठीक है, now I'm going to link this up. ये जो Zwitter ion वाला काम था ना, I'm going to link this up with pH. अच्छा, so here's the thing. कि अच्छा, so here's the thing that this is a molecule of an amino acid, and I want to make this a Zwitter ion. अच्छा, let's say pH 7. ठीक है, let's say the amino acid is at pH 7, right? अच्छा, pH 7 का क्या मतलब है? pH 7 का मतलब है कि पानी के अंदर ना H plus 1 ions और OH ions की जो quantity है ना, that's equal. That's pH 7. Acid में होता है कि H plus 1 ज़्यादा हो जाते हैं और बेस में होता है कि OH H plus 1 कम हो जाते हैं, OH ions ज़्यादा हो जाते हैं. अच्छा, but right now it's pH 7. pH 7 means कि इसके इधर जो water molecule है, let's say this amino acid is swimming in water, ठीक है? So there would be equal quantity of OH ions and equal quantity of H plus 1 ions roaming around in water, right? So pH 7. OH ions or H plus 1 equal quantity mein. Achha, how would the amino acid form as Zwitter ion? Okay, the H plus 1 over here would be lost. Achha, so the H plus 1 over here would be lost because the OH ions in water are going to grab that and they would form a water molecule. Okay, so the H is gone and this OH ends up turning into H2O. यहाँ पे माइनस वन चार्ज आ गया और वाटर के अंदर से ना वन H plus 1 went and got attracted to the lone pairs over here on N. तो N जो है ना that turned into NH3 plus 1. उसने एक H plus 1 gain कर लिया. ठीक है, उसके lone pairs हैं. So you got a Zwitter ion, right? So this Zwitter ion is getting formed at pH 7. Now the assumption is, now there's this, when I did this, I made this huge assumption कि कार्बोक्सिलिक एसिड H plus 1 लूज करना चाहता है और NH2 H plus 1 गेन करना चाहता है और दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से ये काम करना चाहते हैं. इक्वल स्ट्रेंथ मीनिंग कि दिस लाइक्स टू आयनाइज विद द सेम वो जो उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा एज मच एज दिस वांट्स टू गेन H plus 1. तो तब तो न्यूट्रल सिचुएशन में काम चल जाता है. Now this next part, okay? Now listen to this next part very carefully. What if वापस amino acid पे जाते हैं? अच्छा, so और ये इसका H plus 1, it did not lose the H plus 1. Now the thing is कि what if the acid is a very weak acid? ठीक है, जबकि base वाला जो part है ना, इसका जो lone pair है, that's relatively very strong. ठीक है, so the idea is क्योंकि वो दोनों साइड जो है उनकी स्ट्रेंथ एक तो नहीं होगी. मतलब हो सकता है द एमाइन पार्ट रियली रियली लाइक्स टू गेन एच प्लस वन, वेयर एज द एसिड पार्ट डजंट लाइक टू लूज एच प्लस वन, या इट लाइक्स टू लूज एच प्लस वन वेरी वीकली. अब मसला क्या होगा? नाउ द थिंग इज कि टू टर्न दिस इनटू अ ज्विटर आयन, प्रॉब्ली पीएच 7 वुड नॉट वर्क. ठीक है, व्हाई वुड इट नॉट वर्क? के लेट्स से देयर इज एच प्लस वन ओवर हियर एंड देयर इज ओएच माइनस वन over here. Ye pH 7 hai ke the H plus 1 and OH ions in water, they are in equal quantity. So amine to apna H plus 1 gain kar lega because it's a strong base, right? But the acid might not lose the H plus 1 kyunki it's a very bad acid. To ab masla ye hoga Zwitter ion nahi form ho raha pH 7 ke upar, ke H plus 1 and OH ions equal quantity mein water ke andar.
The base part is gaining the eights plus one, but the asset part is not losing the eights plus one. तो अब अगर मैंने इससे एट्स प्लस वन निकाला है, बिकॉज इट्स अ प्रीटी बैड एसेट, ठीक है, तो इससे मैंने एट्स प्लस वन निकाला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना सोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा अल्काइन करना पड़ेगा. आई वॉन्ट देर वुड बी इफ देर मोर ओ एच आइंस, तो द चांसेस ऑफ द एच गेटिंग लॉस्ट एंड द एसेट लूजिंग द एच वुड इंक्रीज एंड देन इट माइट फॉर्म अ ज्वेटराइन, ठीक है, क्योंकि उससे निकालना है ना, मतलब इफ आई वांट टू मेक अ ज्वेटराइन आई वांट दिस टू गेन एन एच प्लस वन एंड आई वांट द एसिड टू लूज द एच प्लस वन, लेकिन बिकॉज द एसिड इज अ टेरेबल एसिड, इट्स अ वेरी वीक एसिड, वो लूज करना नहीं चाह रहा, तो मुझे पानी के अंदर ना ओ एच आइंस बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, आई वॉन्ट मोर एंड मोर ओ एच आइंस सो दैट दे वुड बी एबल टू अट्रैक्ट द एच प्लस वन एंड सो वी कैन गेट रिड ऑफ द एच प्लस वन एंड इट वुड बी एबल टू फॉर्म अ ज्वेटराइन. ये बात समझ आई यहाँ तक किसी को? दोबारा यार सारा कहा समझ आए ना भैया? चल ठीक है, सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ज्विटराइंस आर नॉट गोइंग टू फॉर्म एट पीएच 7. इन दिस केस दे वुड फॉर्म एट अ पीएच दैट इज गोइंग टू बी हायर देन 7. लेट्स अज्यूम यू पीएच 10 है, क्योंकि तभी ओ एच आइन ज्यादा होते हैं ना, मतलब इट्स अ बेसिक एनवायरमेंट, ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल वैल्यू, बल्कि पी एच 10 नहीं करते, पी एच लेट्स से 8.5 कर लेते हैं, कि बेसिक कंडीशंस. अच्छा, सो बेसिक कंडीशंस आर नीडेड. Now, you know, the pH at which ज्विटराइन्स are formed, that's called the isoelectric point. So the pH at which ज्विटराइन्स are formed are known as the isoelectric point. So if I had not increased the pH to 8.5, if I hadn't introduced more OH ions, तो H plus one शायद अपना H plus one lose ना कर सकता, because it's a weak acid, it's a bad acid. तो pH 8.5 के ऊपर ही ना it would exist as a ज्विटराइन. Below that, below the isoelectric point. So below isoelectric point, what happens is that the base gains H plus one ions. ठीक है, by or below isoelectric point, I mean the pH. ठीक है, the pH at which the isoelectric point is. So below the pH of isoelectric point, the base gains H plus 1 ions. The acid would not lose the H plus 1 ion because it's a weak acid. Achha, and above that point, ke, agar main isko bahut zyada basic kar do, theek hai, what if I add too much OH ions? Right? So, H plus 1 hi khatam ho jayenge solution mein se. Kyunki OH ions, mali, iske H plus, mali, these H plus 1 would also be gone. So if I make the solution too alkaline, then the H would be lost from the acid, but the base would not be able to find any H plus one ions, because wo sare OH ions itne zyada OH ions honge ki it won't be able to find H plus one, and it won't be able to play through. Theek hai, to base jo hai na, that would not be able to operate at a pH that is very high, that is very alkaline. So agar main OH ions bahut zyada kar do, तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, दिस पार्ट वुड बिकम नेगेटिव, इट वुड लूज एच प्लस वन, बट द बेस वुड नॉट बी एबल टू गेन एच प्लस वन बिकॉज़ इट वुड बी एबल टू फाइंड एनी एच प्लस वन आयंस. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज के अबव द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट,
So above the isoelectric point, which is the pH of the isoelectric point, the acid would lose H plus ions. यानी आप इसको कह सकते हो कि इट्स गोइंग टू बी टू अल्कलाइन. तो द बेस वुड नॉट बी एबल टू ऑपरेट एट अ वेरी अल्कलाइन कंडीशन. और दूसरे को आप लिख सकते हो कि बिलो द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इट वुड बिकम टू एसिडिक, द सोल्यूशन वुड बिकम टू एसिडिक. तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट रिमेंबर करना कि दैट्स द पॉइंट एट विच इट वुड फॉर्म एज एनायन, वेयर द एसिड वुड लूज द एच प्लस वन एंड वेयर द बेस वुड गेन द एच प्लस वन, मेकिंग द सोल्यूशन टू अल्कलाइन. उसके अंदर फिर एसिड ऑपरेट करेगा, बेस ऑपरेट नहीं करेगी. एंड मेकिंग द सोल्यूशन टू एसिडिक, उसके अंदर भी बेस ऑपरेट करेगी, एसिड ऑपरेट नहीं करेगा. ठीक है. सो इज दिस पॉइंट क्लियर कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, व्हाट्स द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये बात समझ आई? दुआ ताहा कासिम. एसिड वाला पार्ट दोबारा बता दें, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन इट्स टू एसिडिक? इफ इट्स टू एसिडिक देन व्हाट वुड हैपन इज के, मतलब ये ओएच आयंस मैं गायब कर दूं. ठीक है, जस्ट वन सेकेंड. मतलब न्यूट्रल से हम स्टार्ट हुए थे ना, एच प्लस वन थे और ओ एच आयंस थे. ठीक है, सो व्हाट वुड हैपन इफ इट्स टू एसिडिक, देन देयर वुड बी टू मेनी एच प्लस वन आयंस इन द सॉल्यूशन, राइट? वो एच प्लस वन मैं इस साइड पे इसलिए बना रहा हूँ कि बेस ही एच प्लस वन गेन करती है. तो फिर क्या होगा, फिर द बेस पार्ट वुड बी एबल टू गेन एच प्लस वन आयंस, राइट? क्लियर है? द बेस्ट. Yeah, okay. And then But the acid part would not be able to lose H plus 1 ions. Because itne zyada H plus 1 ions honge. Acidic conditions mein agar rakhoge, to it won't be able to lose H plus 1 ions. Because there are already too many H plus 1 ions in the solution. Theek hai, Kasim? Okay. Or vice versa, opposite. If you make the solution to, if you make the solution to alkaline, so the thing would be that there would be too many OH ions. So the acid would be able to lose the H plus ions in acidic conditions. But there would be too many OH ions. The base would not be able to find any H plus ions. H plus ions' ki quantity bahut kam ho jayegi. Theek hai, that's what basic conditions are. तो बेस जो है ना, दैट वुड नॉट बी एबल टू ऑपरेट एज अ बेस. ठीक है, इट वोंट बी एबल टू फाइंड एच प्लस वन आयंस. सो द होल आइडिया इज के, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज एक्सप्लेनेशन. नाउ आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस के, जस्ट रिमेंबर, इसको सम अप कर रहे हैं. ठीक है, सो ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि अच्छा, बिलो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यू गोइंग टू थिंक ऑफ इट एज एसिडिक कंडीशंस. एग्जांपल, लेट्स से यू हैव एलानिन व्हिच इज सीएच. And there is COOH, and there is NH2, and there's probably CH3. Yeah, okay. Just let me check what alanine is. Yeah, CH3. Okay, so this is an amino acid, and they've given you that, even hypothetically speaking, okay, the pH at which it's as butadiene, the isoelectric point. Let's say that's 6.4. ठीक है, दिस इज द पीएच एट विच, अच्छा, एट विच इट्स गोइंग टू बी एज्विटराइन. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड इट लुक लाइक इफ द पीएच इज 5. ठीक है, व्हाट वुड हैपन एट पीएच 5, मतलब इसकी शक्ल क्या होगी इस अमीनो एसिड की. नाउ पीएच 5 इज टू एसिडिक,
ठीक है, पीएच 5 इंडिकेट्स वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से भी नीचे चला गया, तो दैट मींस इट्स काइंड ऑफ टू एसिडिक. ठीक है, इफ इट्स टू एसिडिक तो उसका मतलब है कि एसिडिक के अंदर क्या होगा, बेस जो है वो एच प्लस वन गेन करेगा, एसिड के अंदर एसिड ऑपरेट नहीं करता. ठीक है, सो द बेस वुड गेन एच प्लस वन आयंस, सो दिस साइड वुड बी एनएच थ्री प्लस वन और बाकी आपके पास कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड और एच और सी एच थ्री होगा. ठीक है, सो अमाइनो एसिड की जो शक्ल होगी ना वो इस तरह होगी. पी एच फाइव इज टू एसिडिक, ठीक है, इट्स बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. Vice versa, if the pH was 6.9, ठीक है, if the pH was 6.9, तो आपने फोकस करना है उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे. अब pH 6.9 इज हायर देन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसका मतलब है इट्स गॉटन टू बेसिक. ठीक है, द कंडीशंस आर टू बेसिक. तो बेसिक कंडीशंस में क्या होता है, वो जो एसिड वाला पार्ट होता है वो ऑपरेट करेगा. ठीक है, द एसिड वुड बी एबल टू लूज द एच प्लस वन आयंस, तो आपका जो एसिड होगा ना दैट वुड बिकम, मतलब बेस वैसी की वैसी रहेगी, एनएच टू या सी एच थ्री, एंड दिस पार्ट वुड बी माइनस वन. ठीक है, तो ये आइडिया. और एग्जैक्टली ज्विटरेन कब होगा, व्हेन द पीएच इज एग्जैक्टली 6.4. तो आपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे जो होगा ना वो थिंग्स वुड बिकम टू एसिडिक फॉर द अमाइनो एसिड, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, दैट वुड मीन फॉर द अमाइनो एसिड थिंग्स आर गेटिंग टू बेसिक. और बेसिक एनवायरमेंट के अंदर ना एसिड जो है एच प्लस वन लूज कर जाएगा, द बेस नथिंग वुड हैपन टू द बेस. ठीक है, ये मेन पॉइंट है. इज दिस पॉइंट क्लियर? हसन क्लियर है? रियान ताहा क्लियर है? इसके बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सारा इज दिस क्लियर? अच्छा, ये चीज अब याद रखनी है क्योंकि अगली जो चीज हम कर रहे हैं ना उसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है, सो और ये याद रखना कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर ना, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज डिफरेंट फॉर एवरी अमाइनो एसिड. ठीक है, इट्स क्योंकि एवरी अमाइनो एसिड उसका जो COOH है और जो NH2 है ना वो R ग्रुप से इफेक्ट होता है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ Cl अटैच होने से एसिड की स्ट्रेंथ पे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक बेसिस की स्ट्रेंथ के ऊपर. तो दिस R ग्रुप मैटर्स. ठीक है, R ग्रुप जो ना इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है ना उसको ऑल्टर कर देता है. सो विच इज वाई एवरी टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ और एमाइन की जो स्ट्रेंथ है ना दैट्स डिफरेंट. ठीक है, एवरी टाइम बिकॉज ऑफ दिस आर ग्रुप. ये एलानिन की कंडीशंस है, ग्लाइसिन में कुछ और होगा, एस्पार्टिक एसिड में कुछ और होगा. सो जस्ट रिमेंबर द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, एवरी अमाइनो एसिड इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट व्हिच इट्स गोइंग टू बी एज्विटराइन. और उससे ज्यादा अगर ऊपर होगा पीएच, नीचे होगा तो एसिडिक हो जाएगा उसके लिए. अगर इफ इट्स लोअर देन हायर देन दैट देन इट वुड बी टू बेसिक फॉर द अमाइनो एसिड. तो उसके हिसाब से ना आपको शक्ल पता होनी चाहिए कि अमाइनो एसिड की जो शक्ल है ना वो किस फॉर्म में होगी. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ऐसे ये हम ना थोड़ा सा एनालिटिकल टेक्निक्स में आ गए, वी स्टार्टेड स्टडिंग क्योंकि अमाइनो एसिड पढ़े और मतलब ये सारी चीजें इकट्ठी पढ़नी चाहिए. सो दिस इज एनालिटिकल टेक्निक व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, इट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अमाइनो एसिड्स. सो इट्स अ टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अमाइनो एसिड्स. अब उसमें क्योंकि अमाइनो एसिड दुनिया में इतने ज्यादा होते नहीं है. ठीक है, देयर ह्यूमन बॉडी के बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स मुझे करेक्ट कर लें, प्रॉब्ली 19 या 21 होते हैं, दोनों में से कोई नंबर है. So you're just basically identifying 19, मतलब जब भी कोई protein synthesis वगैरह कोई study कर रहे होगे आप amino acids, so you're basically identifying just the very few amino acids. तो हर amino acid का आपको isoelectric point भी पता होता है. अच्छा, so this is like chromatography. ठीक है, the first thing is you would be asked to draw the diagram. केस का electrophoresis का ना diagram draw कर दो. So there's this filter paper.
And that filter paper is dipped in a solution. Okay, so let's say there are two containers, and the containers draw kar lo, and as anyway, so there it's a filter paper that's dipped in these solutions. ठीक है आपका फिल्टर पेपर इसमें डिप हुआ है और बीच में ना there's going to be this amino acid mixture that is placed. अच्छा बीच में ना there's this amino acid mixture which you have to analyze, which you have to identify कि इसके अंदर ना how many different types of amino acids do you have. Then there's a power supply, एक battery होती है, ठीक है, there's going to be a power supply, एक side पे there's going to be plus and minus terminals attached. One of the wires is going to be dipped, so one of the wires is going to be dipped in one of the solutions, the other one, negative terminal would be, उसके अंदर दूसरी wire होगी, ठीक है, और इसके अंदर कोई कोई ना कोई आपके पास देयर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोलाइट दैट वुड बी प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन यानी इट शुड बी एबल टू कंडक्ट. सो इट्स अ बफर सॉल्यूशन क्योंकि रिमेंबर कि यू डोंट वांट द पीएच टू चेंज क्योंकि अभी मैंने वो डिस्कस किया था कि पीएच चेंज होगा ना तो अमीनो एसिड की शक्ल ही चेंज हो जाएगी. ठीक है ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि पीएच अगर 5 होगा पीएच 6.9 होगा तो अमीनो एसिड वुड लुक काइंड ऑफ डिफरेंट. ठीक है ज्विटर अगर पीएच 6.4 होगा तो वो ज्विटराइन के फॉर्म में होगा. सो द अमीनो एसिड्स कीप्स चेंजिंग इट्स मतलब उसका कार्बोक्सिलिक एसिड माइट लूज द H+1 द एमाइन वुड गेन द H+1 सो द पीएच हैज टू बी फिक्स्ड. यू डोंट वांट द पीएच टू चेंज तो दैट्स व्हाई अ बफर सॉल्यूशन ये करता था. So just remember, amino acids are sensitive to pH. उनके वो acid base वाले reaction जो ऊपर हमने पढ़े थे, वो they would start happening. So here's your buffer solution, and it's going to be an electrolyte. Electrolyte का मतलब it's going to have ions, so that electricity could be conducted. अच्छा एक साइड पॉजिटिव है एंड द अदर साइड इज नेगेटिव. सो दिस साइड ओवर हियर इज पॉजिटिव द अदर साइड इज नेगेटिव और ये बीच में मिक्सर प्लेस किया हुआ अमीनो एसिड का. नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू अमीनो एसिड्स वन इज थ्री कर लेते हैं. ठीक है देयर इज ग्लाइसिन कर लेते हैं और ग्लाइसिन जो है ना दैट्स उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ना दैट्स पीएच लेट्स से इट्स 6.8. अच्छा देन आई हैव एस्पार्टिक एसिड उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है लेट्स से दैट्स अदर इट्स प्रोबब्ली गोइंग टू बी 7.3. ठीक है और ये कम कर लेते हैं एलानिन कर लेते हैं. अच्छा एलानिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है लेट्स से दैट्स पीएच 6. ठीक है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दीज आर द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज अमीनो एसिड्स. अब हमने प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा अमीनो एसिड जो है ना वो किस तरफ अगर तो वो अमीनो एसिड द आईडिया इज सिंपल इफ द अमीनो एसिड हैज अ नेगेटिव चार्ज इट्स गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव साइड तो जैसा क्रोमैटोग्राफी में उसका जो डॉट होगा ना दैट वुड स्टार्ट मूविंग टू द राइट साइड. इफ इट्स बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स विद नेगेटिव चार्ज
are going to be attracted to this side. And vice versa, amino acids with the positive charge are going to be attracted to the negative side. They are attracted to, so they're going to be attracted to the positive side. तो ये सिंपल सा आइडिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलानिन के अंदर ना, लेट्स से द पीएच इन दिस बफर सॉल्यूशन राइट नाउ, द पीएच इज कितना रखें, लेट्स लेट्स से इट्स 7.1, ठीक है. अब 7.1 पे ना पहले एक एक करके ना इन सारे अमीनो एसिड्स की शक्लें पहले देख लो कि इन व्हाट स्टेट वुड दे बी इन. तो ग्लाइसिन, लेट्स स्टार्ट विद ग्लाइसिन. तो पहले पीएच, सो आई एम गोइंग टू लुक एट ग्लाइसिन, आई एम गोइंग टू सी के इज इट गोइंग टू बी पॉजिटिव और इज इट गोइंग टू बी नेगेटिव. ग्लाइसिन इज दिस अमीनो एसिड, इट हैज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन वन साइड, एमाइन ऑन द अदर साइड, और एक साइड पे देयर इज एच और दूसरी साइड पे देयर इज दूसरी साइड पे भी एच होता है, ठीक है. डेटा बुक से कंफर्म कर लेना, ग्लाइसिन इज दिस मॉलिक्यूल. सो दिस ओवर हियर इज ग्लाइसिन. अच्छा, अब ग्लाइसिन का क्या करना है? ग्लाइसिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था, दैट वाज 6.8. सो दैट मींस दैट 7.1 इट्स प्रोबब्ली गोइंग टू बी टू बेसिक फॉर ग्लाइसिन, ठीक है. सो इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी टू बेसिक, उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज्यादा है. तो बेसिक कंडीशन के अंदर व्हिच थिंग वुड ऑपरेट, द एसिड पार्ट वुड लूज द एच प्लस वन. तो इफ इट्स टू बेसिक, जस्ट होल्ड ऑन वन सेकंड, बोर्ड स्टक हो गया. अच्छा, सो इफ इट्स टू बेसिक, द एसिड पार्ट वुड लूज द एच प्लस वन. तो ये एच प्लस वन उसे लूज कर दिए और यहां पर ना देयर इज गोइंग टू बी माइनस वन चार्ज. अच्छा, सो इट वॉज टू बेसिक फॉर इट. नेक्स्ट वाले में चले जाओ, एस्पार्टिक एसिड, डिफरेंट अमीनो एसिड. एस्पार्टिक एसिड इज अच्छा, एस्पार्टिक एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो 7.3 है. तो हम किस पीएच की बात करें, हम इसकी बात करें कि वो जो हमारा बफर सॉल्यूशन है, दैट्स एट That's currently at 7.1. तो aspartic acid के लिए वो चीजें थोड़ी acidic हैं, क्योंकि उसका isoelectric point से भी pH नीचे है. So that means के for it, things are kind of too acidic. ठीक है, because the isoelectric point was much higher, 7.3 पे वो Zwitter end बनता था. तो 7.3 से नीचे है, तो for it, things are too acidic. The pH is lower than the isoelectric point. The aspartic acid, acidic conditions, mein, what would it look like? The aspartic acid is COH, and there is H, and there is NH2, and on the other side there is CH2 and COOH. ठीक है? तो if things are too acidic, तो आपका जो basic part होगा, वो इस person accept कर रहा होगा. And it would change into NH3 plus 1. ठीक है, so this is what aspartic acid would actually look like at pH 7.1. और फिर आखिरी वाला जो है वो कौन सा है, alanine जो है उसका isoelectric point pH 6 है. So alanine भी कर लेते हैं कि alanine का जो R group था, that was just simple CH3. So alanine is C, there's H, and there is COOH, and you have NH2, and you have CH3. अब alanine का दिया हुआ है कि pH 6 के ऊपर ना, it's a Zwitterite.
अभी की आईपीएच 7.1, सो दैट्स टू हाई. ठीक है, टू हाई का मतलब इट्स टू बेसिक. सो एलिनिन के लिए इट्स एक्चुअली टू बेसिक. And if it's too basic, तो basic condition में acid जो है वो H+1 lose कर रहा होगा. So it's going to be this part that would be losing the H+1 क्योंकि basic conditions है उसके लिए. And it would form a negative ion. अच्छा, तीनों amino acids की ना शक्लें आपको पता लग गई हैं कि वो pH. So the idea is कि pH 7.1 के ऊपर ना उनके isoelectric point given थे. तो आपको इंडिविजुअली ना यू नो कि विच अमाइनो एसिड वुड लुक लाइक व्हाट, वेदर इट्स गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज और वेदर इट्स गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज. और कभी कभार होता है कि दो नेगेटिव चार्ज भी आ जाते हैं क्योंकि आर ग्रुप होता है. उस तरह का भी क्वेश्चन हम कर लेंगे. सो दीज आर द थ्री अमाइनो एसिड्स और ये उनकी शक्लें हैं. यहाँ तक क्लियर? फिर लास्ट वाला काम करें. इज दिस क्लियर मुश्तवा? क्लियर मूसा? रियान? तहा? ठीक है. तो आपने इस तरीके से ना यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा अमीनो एसिड उसकी शक्ल क्या होगी. ठीक है, और फिर आप अभी लेट्स स्केच. अक्सर तो उन्होंने स्केच दिया होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन अब हम स्केच कर लेते हैं. अब मुझे तो कि ग्लाइसिन किधर जाएगा. रिमेंबर ग्लाइसिन हैज अ चार्ज ऑफ -1. तो ग्लाइसिन का जो, बिकॉज ग्लाइसिन इज -1 तो वो पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो ग्लाइसिन प्रॉब्ली आपको लेट्स से यहां पे मिलेगा. ठीक है, दिस इज वेयर GLY, यू गोना गेट GLY एट दिस पॉइंट. वो राइट ही तरफ जाएगा. ठीक है, बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव चार्ज. एस्पार्टिक एसिड कहां पे मिलेगा? एस्पार्टिक एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एस्पार्टिक एसिड आपको प्रॉब्ली ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो एस्पार्टिक एसिड जो है दैट्स ASP, दैट वुड बी फॉर्म्ड. मतलब उसका जो आयन होगा, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल होंगे ना, दे वुड मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो दैट्स वे यू गोइंग टू गेट ASP. ठीक है, दैट्स वे यू गोइंग टू गेट ASP. तो एक इधर मूव कर रहा है, दूसरा इस साइड पे मूव कर रहा है. अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा इज एलानिन. एंड एलानिन इज गोइंग टू बी, बिकॉज इट्स ऑल्सो नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो एलानिन is going to be found over here. वो भी राइट की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो आपके तीनों जो अमीनो एसिड्स होंगे ना, दे वुड ऑल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. कोई पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, कोई नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. अच्छा, लेकिन डिस्टेंस किस पे मैटर करेगा? एवरी अमीनो एसिड हैज अ डिफरेंट साइज. सम आर हेवियर, सम आर लाइटर. फॉर एग्जाम्पल, एस्पार्टिक एसिड वुड बी वेरी हैवी. इसमें चार ऑक्सीजन आ रहे हैं, सो दैट्स काइंड ऑफ हैवी. तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मूवमेंट, एक फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया. नंबर वन, दैट इज द चार्ज ऑन द अमीनो एसिड. ऑन द अमीनो एसिड डिटरमिन्स डायरेक्शन. अच्छा, सो द चार्ज ऑन द अमीनो एसिड डिटरमिन्स डायरेक्शन. सेकेंड इज mass of the amino acid determines how far it will move. So that's going to determine how far the amino acid moves. So there are two factors. One is charge. Charge तो हमने discuss कर लिया कि charge की वजह से वो right की तरफ जाएगा, left की तरफ जाएगा, वो उससे determine होगा. ठीक है, इसको वैसे label कर लो. ये जो pink वाला है, that's basically a filter paper or chromatogram soaked in buffer solution. ठीक है, ताकि labeling कंप्लीट हो जाए. और इसको आपने लेबल करना है, दिस इज अ पावर सप्लाई. ठीक है, सारी हमारी लेबलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है. एंड जस्ट रिमेंबर कि मास ऑफ अमीनो एसिड जो है ना, वो डिटरमिन करेगा हाउ फार द अमीनो एसिड मूव्स. हैवी होगा तो लेस डिस्टेंस कवर्ड, एंड वाइस वर्सा.
So there's going to be less distance that's going to be covered, and vice versa. अच्छा ये सारा clear है. Next class में हम सिर्फ questions करेंगे, ठीक है? We're going to ignore polymers for now, क्योंकि इसके बाद polymerization थी कि आपने पढ़ना था कि proteins किस तरह बनते हैं और Kevlar और nylon और वो सारी चीजें, ठीक है? तो अभी हम फिलहाल हम जो कुछ हमने किया है ऑर्गेनिक हमारी तकरीबन खत्म हो गई, ठीक है? वो ये खत्म हो गया पार्ट. पॉलीमराइजेशन वाला जो पार्ट है वो ज्यादातर वो लेवल्स का है, ठीक है? सो दैट्स दैट वुड बी वेरी फेमिलियर टू यू. अच्छा ये क्लियर है? हसन, हकीक, नबीहा, मुश्तबा, इज दिस क्लियर? ठीक है, ताहा क्लियर है? अगर क्वेश्चन नहीं है यू कैन स्टार्ट राइटिंग इसके अंदर, ये चैट के अंदर ना प्लीज राइट अटेंडेंस. सर, यस, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, मे बी आई एम थिंकिंग टू मच, बट आरंट अमीनो एसिड्स लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरली स्मॉल, लाइक देयर द स्मॉलेस्ट थिंग्स आई कैन थिंक ऑफ, सो द डिस्टेंस दे मूव वुड बी नेग्लिजिबल इनसाइड समथिंग दिस बिग. नहीं, देखो स्मॉल तो है लेकिन डिस्टेंस मूव करने से उन्हें कौन रोक रहा है? लाइक इफ देयर, आई मीन सन से चीजें आ रही होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स ट्रैवल करते हुए अर्थ तक आ रहे होते हैं, सो मूवमेंट. अच्छा, आई विल जस्ट ब्रीफली जस्ट टॉक अबाउट दिस. रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर प्रोबब्ली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, ठीक है? मतलब ग्रेविटी और उन चीजों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? तो पॉजिटिव चीज उसको जब पुल करेगी ना तो वो फ्लाई करता हुआ उड़ता हुआ जाएगा. वो उसे मसला ये होगा कि there would be other particles as well, क्योंकि buffer solution के अंदर है, water molecules होंगे, so it would be colliding with them, which is why it's going to slow down, ठीक है? लेकिन imagine empty space होती, अगर empty space होती और कोई भी particle odd ना होता, and there was an amino acid over here, let's say it was negative, तो वो positive के साथ ना foreign attract होता, clear है? Kasim? Okay. ठीक है, मतलब एम्प्टी स्पेस होती फिर तो फॉरेन, मतलब हर जगह पार्टिकल्स है ना, अमीनो एसिड्स से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मूव कर रहे होते हैं ना, दे ऑल मूव इफ दे गेट अट्रैक्टेड टू समथिंग. पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होंगे, तो अगर तो बीच में कुछ भी ना होता, एम्प्टी स्पेस होती, तो ये फॉरेन अमीनो एसिड उड़ता हुआ उधर पहुंच जाता. लेकिन ऑब्वियसली बीच में एयर के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, देयर सो मेनी पार्टिकल्स, इट वुड बी बंपिंग इनटू सो मेनी थिंग्स कि वो आराम आराम से ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है? Then if you have written your attendance, then you can leave. Okay, then take care. Allah Hafiz.